की सियासत में उठा बवंडर फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। कैप्टन अपने सियासी रणनीति में उलझ गए हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत बदल गई है। पार्टी में सीधे सीधे दो ध्रुव बन चुके हैं। इसी बीच कैप्टन एक बार फिर दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। कैप्टन यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे। दरअसल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। कैप्टन ने पीके का इस्तीफा उसी दिन स्वीकार कर लिया था। अब कैप्टन की अगली रणनीति क्या होगी, अभी इस बारे में सियासी पंडित भी मौन है। चर्चाएं ये भी है कि विधायकों के साथ बैठक के बाद ही पीके ने मन बना लिया था कि वह पंजाब में काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बैठक में कई विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी के अधिक हस्तक्षेप और चुनाव में किए वादे न निभाने का मुद्दा उठा दिया था। इसके बाद कुछ मंत्रियों से बातचीत में पीके ने संकेत दिए थे कि वे पंजाब में काम नहीं करना चाहते। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 5 माह के अपने कार्यकाल के दौरान पीके न तो पंजाब न राज्य सरकार और न ही मुख्यमंत्री कैप्टन के काम आए। कैप्टन ने 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। इस साल 1 मार्च को नियुक्त हुए पीके को कैबिनेट रैंक दिया गया था। पहले ही दिन पीके का इस्तीफा कैप्टन के लिए परेशानी का कारण माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में पहले ही कांग्रेस की राजनीति कैप्टन और सिद्धू के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धू को कैप्टन की सहमति के बिना ही कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और सिद्धू के बीच की कड़ी भी रहे। सिद्धू को कांग्रेस में लाने में पीके की अहम भूमिका थी, लिहाजा ऐसे में माना जा रहा था कि पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और सिद्धू के बीच की दूरी मिटाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस सारे झमेले से दूर रहना ही उचित समझा। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि पीके को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है, लिहाजा पीके ने सूबे से मुक्त होने का फैसला किया है। लेकिन इससे साफ तौर पर कैप्टन की मुश्किलें बढ़ गई है। सिद्धू तेजी से अपनी रणनीति में कामयाब हो रहे हैं, जबकि अब तक कैप्टन पीके के भरोसे थे। अब चुनाव में 6 महीने का वक्त बचा है, लिहाजा ऐसे में अपना दाव पक्का करने के लिए कैप्टन को एक मास्टर स्ट्रोक की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।